प्रेस क्लब के अध्यक्ष धनेश्वर प्रसाद साहू के साथ वासु चंद्रा, दिलहरन चंद्रा, अमृत सेवक के साथ अन्य पत्रकार एसपी एवं जिला कलेक्टर जांजगीर को शशिकांत कश्यप के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चिज़दा में मोबाइल छीनकर डिलीट करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह बताया गया कि यदि शशिकांत कश्यप को 17 फरवरी 2019 के पहले उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की गई तो थाना हसौद के सामने एक दिवसीय धरना प्रेस क्लब जयपुर के द्वारा दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई अपनी घटना होती है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी। आरक्षक से ये क्या मामला है और आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? मामला यह है कि वहाँ पर ग्राम चिज़दा में सरपंच का अफसा फैसला हुआ था, वहाँ पास लोगों का भीड़ हुआ था है? तो हम लोग बाहर से फोटोग्राफी कर रहे थे क्योंकि समाचार संकलन के लिए हमें वीडियो और फोटोग्राफ्स की आवश्यकता होती है सबूत के लिए, इसलिए हमने पूरा पब्लिक लोग का फोटो लेते थे। उस दौरान में मिले लेने के बाद में पीछे से आया आरक्षक शशिकांत कश्यप जी 798 नंबर के बीच वाले और मेरा मोबाइल को छीन कर ले गए और तमाम फोटो खींचे हुआ वीडियो को डिलीट कर दिए। इस मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वह वहाँ मत रहे, यदि वहाँ रहेगा तो हमारे अन्य भी पत्रकार हैं उनके साथ में भी वह व्यवहार कर सकता है और छीन सकता है, इसलिए हम लोग यह आंदोलन करना चाहते हैं और हटाना चाहते हैं। एसपी को भी ज्ञापन दिए हैं क्या है उसमें? हाँ, एसपी को ज्ञापन दिए हैं। एसपी साहब बोले हैं कि हम इनको बुलाते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं मामला वास्तव में क्या है। 18 से अनिश्चितकालीन पे जा रहे हैं क्या? हाँ, यदि 17 तारीख तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हुआ, यदि शशिकांत कश्यप को हटाया नहीं गया तो हम 18 तारीख को जयपुर प्रेस क्लब के द्वारा आंदोलन करेंगे हसद थाने के सामने। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।